नमस्कार, राजस्थानी कुक बुक बाय चंचल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पापड़ मेथी का सब्जी। घर में कोई भी सब्जी नहीं है तो जड़ से बनने वाली पापड़ मेथी का सब्जी सब सब्जियों को साइड में रख देगी। खाने में इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आपको देखते ही मन होएगा बनाने। पापड़ की सब्जी के लिए मैं 2 टेबल स्पून प्योर देसी घी ले रही हूँ। घी को अच्छा गर्म होने देंगे, फिर इसमें जीरा और हींग डालेंगे। ये तड़के को मैंने स्लो गैस पे ही रखा है। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक गया है, अभी 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1 कप पानी। आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा मिर्ची डालिए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। पानी में उबाल आने देंगे, उसके बाद पापड़ और मेथी डालेंगे। एटी छोटी साइज के मैंने 5 पापड़ लिए हैं, अभी इसका पीसेस करेंगे छोटे छोटे। ये मैंने लीजर पापड़ ही लिया है। हाफ टेबल स्पून मैंने मेथी बॉईल करने के लिए रखा था। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बॉईल हो गया है। पानी में उबाल आएगा तभी पापड़ और मेथी डाल। मेथी में से मैंने पूरा पानी निकाल दिया है। तड़के में उबाल आ गया है, अभी पापड़ और मेथी डाल देते हैं। अभी 1 से 1.5 मिनट में अभी इसको गैस को चालू रखूंगी, उसके बाद में मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो। लीजिए, ये स्वादिष्ट सब्जी बनके रेडी हो गई है। रोटी के साथ, राइस के साथ, पराठे के साथ, थेपले के साथ, किसी के भी साथ आप खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।